भूमि जो है भगवान के चरणारविंद की शुश्रूषा है। तो या ये समझिए कि अनेक बार दर्शन करने पर भी उनको प्रतीत होता है दर्शन ही नहीं हुआ। आज की देखें, अब की देखें, अब की ज्ञान सुंदर आए एक बार दर्शन करें। इन सब बातों से उत्कंठा प्रधान प्रेम जिनका है उन्हीं लोगों के लिए संदेश कहा गया। बाकी जो विश्रम्भक प्रधान प्रेम वालों को या अविवेक प्रधान प्रेम वालों को संदेश करने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से भगवान कृष्ण ने ब्रज की अवस्था का वर्णन करके और फिर इसका सूरदास साधकों ने बड़ा विस्तार किया है, पत्रिका लिखी है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपांगना जनों के लिए पत्रिका, अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा को भी पत्रिका लिखी है, गोपांगनाओं को पत्रिका लिखी है और राधा रानी को भी पत्रिका लिखी है और कुब्जा ने भी पत्रिका लिखी। कुब्जा ने भी बुलाया उद्धव को, कहा उद्धव देखो हमारी ये पत्रिका ले जाओ, गोपांगनाओं को देना, राधा रानी को देना, ये सब क्यों रोज रोज उठकर सवेरे सवेरे हमको गाली देती है। हमारा भी भाग्य है, हम कहां कुबड़ी थी, कृष्ण कंठ का चंदन सरगड़ती थी, क्या हमारी महिमा थी। तो जिन्होंने हम पर अनुग्रह किया, कृपा किया, क्या बात है, हम बिना काशी गए हमको काशी का स्नान हो गया, बिना परिश्रम किए, ये उनका अनुग्रह है, हम क्या करें। और फिर अंत में राधा रानी को कहा कि जो कुछ भी हो आखिर हम तुम्हारी दासी रहेंगे, तुम्हारी अनंत महिमा है, तुम्हारा अनंत सौंदर्य माधुर्य है, तुम्हारे सामने हम कुछ नहीं, हम तुम्हारी दासी हैं, आपकी कृपा हम पर होनी चाहिए। इस तरह से जो सबको भी आने उनको भी लिखा और कई लोगों कठोर भी लिखा है, तुम लोगों ने श्याम सुंदर को बहुत कष्ट दिया है, बांधा है उनको कृष्ण को, और थोड़े थोड़े मक्खन के लिए दही के लिए नाच नचाया है, क्या तुम किस मुंह से उनको जल्दी अपने पास बुलाना चाहती हो, इतना इतना कष्ट सहन कर कैसे जाएंगे तुम्हारे यहाँ कृष्ण। ऐसी ऐसी अनुकूल प्रतिकूल सब बातें कही। नंद बाबा क्या नाम, बसुदेव जी ने भी पत्रिका लिखी है और कहा कि आप बड़े धन्य धन्य हमारे दोनों पुत्र हैं, उनका आपने पालन किया है, पोषण किया है, रक्षण किया है, हम तुम्हारे बड़े कृतज्ञ हैं, तुम जरूर आओ यहाँ और दर्शन करो श्याम सुंदर का, बलराम का, और इनको भी भेजेंगे तुम्हारे यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, आप किसी प्रकार का भेद न माने, उन्होंने भी ऐसा बहुत सी लिखी है। तो इस प्रकार से अंत में वहां उन लोगों ने ये भी लिखा है कि थोड़ी सी भागवत की दृष्टि तो जरा बड़ी गंभीर, भागवत की दृष्टि ही तो एक बड़ा उस ढंग की है। यार यहाँ तो उद्धव का बड़ा महत्व भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखदेव जी बड़ा महत्व कहते हैं, प्रेष्ठम एकांतिनम भक्तम ये सब उनके लिए विशेषण दिया है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि वो कृष्ण भगवान कहते सखा को मिल गया हमारा, लेकिन ठीक सखा नहीं, इसको कृष्ण प्रेम नहीं, ये तो इसको ज्ञान का घमंड है। तो बोलो जैसे काग का हंस की मैत्री संगत नहीं है, ऐसे इसकी हमारी मैत्री संगत नहीं है। जो कुछ भी है ऐसे ही लिखा है उन्होंने। तो इसलिए ये तो इसको ज्ञान का बड़ा गुमान है, ये तो निराकार निर्विकार निर्गुण अनंत अखंड ब्रह्म की चर्चा करता है, परंतु ये क्या जाने ये जो ब्रज का जो मक्खन और रोटी खाने का स्वाद इसको क्या मालूम, नंद बाबा और यशोदा के प्यार का इसको क्या परिज्ञान है, गोपांगनाओं के लोकोत्तर अनुराग को ये क्या समझ सकता है, ब्रज की अद्भुत महिमा को ये क्या समझ सकता है। शुष्क ज्ञान से केवल अखंड अनंत निर्विकार ब्रह्म, इसकी रूप नहीं, रेखा नहीं, जाति नहीं, वर्ण नहीं, कुल नहीं, ये ऐसी कोई चीज लिए हुए घूमता है, ये ब्रज का लोकोत्तर प्रेम है, उसके मर्म से ये आकर्षित है। तो इसलिए अच्छा इसको ब्रज भेज दें, इसके ज्ञान का घमंड सब खत्म हो जाए, ब्रज भेज दें तो ये शुद्ध होकर आएगा, इसलिए वो ब्रज को भेज। और ब्रज को भेजते हुए फिर कुछ ब्रज की महिमा भी कहती, वो बीच बीच में उद्धव जी हंस पड़ते हैं, सूरदास के अनुसार बीच बीच में कृष्ण का प्रेम कथा सुन करके उद्धव जी हंस पड़ते हैं। तो भगवान को लगता देखो ये कितना कुटिल है, ये ठीक नहीं है, ये जो है तो ऐसी बातें वो कहते हैं।
तो फिर भी उस समय भी भगवान संदेश कहते चिट्ठी लिखते हैं नंद रानी को ये लिखते हैं कि मैया हमको यहाँ कोई मक्खन देने वाला मक्खन रोटी देने वाला कोई मक्खन रोटी याद आती मैया मैया तुम जैसे कलयुग कराती थी वैसा यहाँ कोई कलयुग कराने वाला है मैया ये वसुदेव देवकी कहते हैं कि तुम हमारे पुत्र लेकिन वास्तव में हम उस पर विश्वास नहीं करते हम तो तुम्हारी पुत्र हम तो तुम्हारी पुत्र ये लोग कहते हैं हमको बहुत बहुत बहकाते हैं कि तुम हमारे पुत्र हो कंस के भय से तुम्हारा पोषण पालन करने के लिए हमने तुमको नंदग्रह में भेज दिया था लेकिन हमको उस पर विश्वास नहीं आता मैया हम तो समझते हम तुम्हारे ही पुत्र हैं तुम्हारी रहेंगे मैया थोड़ा सा काम करके और एकदम हम तुम्हारे पास चले आए इस तरह उद्धव से कहते उद्धव हाँ एक बात है गोपांगनाओं ने अपना सर्वस्व अर्पण हमको कर दिया अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतरात्मा सब कुछ अर्पण कर दिया तो उसके बदले में ब्याज के रूप में जैसे किसी ने अपना सब धन किसी धनवान मालिक के यहां अर्पित कर दे तो वो मालिक उस धन के ब्याज रूप में कुछ जीवन निर्वाह के लिए देता रहता है ब्याज के रूप में ब्याज में सूद तो ऐसे गोपांगनाओं ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया अंतरात्मा अंतकरण प्राण धन सब कुछ उसके ब्याज में हमने उनको सालों की मुक्ति देना चाहा नहीं लिया सामित्व मुक्ति देना चाहा नहीं लिया सारूप मुक्ति देना चाहा नहीं लिया तीन मुक्ति मैंने देना चाहा नहीं लिया तो दो भैया साधु जो मुक्ति तो ज्ञान से होती तुम बड़े ज्ञानी तुम्हारा जैसा ज्ञानी कोई है नहीं तुम जाकर उनको ज्ञानोपदेश कर दो अगर वो साधु जो मुक्ति ले लें तो हम तुम्हारी मथुरा में रहेंगे अगर उन्होंने कहीं उसको भी अस्वीकृत कर दिया ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाली साधुज्य मुक्ति को भी अगर उन्होंने अस्वीकृत कर दिया तो उद्धव मैं सत्य कहता हूं सब तुम्हारा मथुरा उथुरा छोड़ करके जा करके ब्रज में मैं तो गाय चराऊंगा और गोपांगनाओं के साथ ये सब सूरदास जी ने केवल वहां गाय चराऊंगा ब्रज में रहूंगा ये तुम्हारा राजपाट सब तुम्हारे जिम्मे तुम जाओ हाँ अगर वो तुम्हारा ज्ञान ले करके साधु जी स्वीकार कर ले ठीक है तेरी हर इस तरह से बहुत प्रकार का संदेश ये भी कहा भैया मेरी बांसुरी की सुरक्षा रखना मेरा सुरंग मेरे खिलौने मैं बहुत जल्दी आऊंगा मेरे खिलौने सुरक्षित रखना मेरी बांसुरी सुरक्षित रखना भैया कहीं देर सदे राधा आकर मेरी बांसुरी न उठा ले जाए तुम पूरी सुरक्षा रखना मेरी बांसुरी इस प्रकार से बड़े विश्रम्भ पैदा करने वाले विश्वास पैदा करने वाले कि मेरा लाला बहुत जल्दी आएगा शीघ्र आएगा घबराने की बात इस प्रकार का संदेश लिखित भी दिया कहा भी और बार बार उसमें लिखा है कि उद्धव को भगवान ने अपना भूषण पहनाया था अपना अलंकार पहनाया अपना वस्त्र पहनाया पीतांबर अपने रथ दिया अपने घोड़े दिए पूरा श्री कृष्ण अपना स्वरूप बनाकर अपना देश बनाकर अपना ही सा बनाकर के उद्धव को ब्रज में भेजा तो उद्धव जो है सो भागवत के अनुसार भगवान का भर्ता भगवान भर्तुः भर्तुरादेश मादाय भर्ता का आदेश अपने स्वामी भगवान कृष्ण का आदेश सूरदास जी भक्त हैं जो कुछ कहें सब मान है सरोपधारी है लेकिन भागवत की दृष्टि से वास्तव में उद्धव ज्ञान गुमानी नहीं थे ज्ञान का उनको कोई घमंड नहीं था सत्य सच्चा ज्ञान होने पर घमंड होता ही नहीं जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तभी तक घमंड रहता ज्ञान मान जहां एक और नहीं ज्ञान वही होता है जहां मान नहीं जो सारे दुख को ब्रह्म जानता है वो कैसे मान करेगा किससे मान करेगा सकल मिदम अहंच वासुदेव सकल मिदम फिर अहंच मैं सेवक सचराचर रूपरास भगवंत सारा चराचर भगवान का रूप है जो मानता है तो किससे अपने को श्रेष्ठ मानेगा गुमान कैसे करेगा घमंड कैसे करेगा बन नहीं
और दो तो परम भक्त हैं, भगवान के प्रेष्ट हैं, एकांती भक्त हैं। एकांती भक्त का ही अर्थ किया गया कि जो सब छोड़ करके इतने पर भी अन्य आश्रय को परम त्याग करके, अन्य आश्रयता को पूर्ण परित्याग करके सर्वतोभावेन गाढ़ प्रेम से भगवान को भजे, उसका नाम एकांती भक्त है। पारिभाषिक शब्द है एकांती, एकांती अनन्य, अनन्य को एकांति कहते, अनन्य अनन्य यस्य भगवत भगवत वितरिक्ता अन्य न विद्यते यस्य सा अनन्य, भगवान को छोड़ करके अन्य कोई जिसके है ही नहीं। एकमात्र भगवान को ही सर्वस्व मानता है, भगवत भिन्न कोई पदार्थ देखता ही नहीं, वो अनन्य। तो भगवान का अनन्य भक्त, एकांती भक्त, प्रेष्ठ भक्त, और इसलिए भगवान ने उद्धव को भेजा। और ज्ञान कहना भी भगवान को अनभीष्ट नहीं था, ज्ञान बताना गोपांगनाओं को या माता पिता को अत्यंत अभीष्ट था भगवान, क्योंकि उसी ज्ञान के सहारे इतने तीव्र दुष्प्रयोग जन तीव्र ताप को सहन कर सकना संभव। कई लोगों का तो ये ज्ञान प्रेम कम करता, लेकिन जो उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं वो विप्रयोग जन तीव्र ताप में झुलसे जाते हैं, उनके लिए थोड़ा भगवान की व्यापकता का ज्ञान, सर्वांतरता का ज्ञान, सर्वेश्वरता का ज्ञान वो उनके मन में ढांढस बनाता है, धैर्य बनाता है। तो वो प्रीति का भक्ति का बाधक नहीं है, उसमें उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाता, किंतु उल्टा एक आश्वासन देता है, प्राण किसी तरह से सुरक्षित रहे, जिससे भगवान का ध्यान बढ़ाते चले। वो हमने कहा ही कई बार कि प्रेमी लोग भी, कई लोग ये मानते हैं जो विप्रयोग जन तीव्र ताप में जल्दी प्राण त्याग कर देता है वो तो समझो पलायन कर जाता है, प्रेम मार्ग से युद्ध से पलायन कर गया, भाग गए। इसीलिए दृष्टांत कहा करते हैं हम क्या, वो हित हरिवंश महाप्रभु ने अपने ग्रंथों में लिखा है, हित हरिवंश ने, कि वो उसका चक्रवाती चक्रवात का प्रेम, चकवी चकवा का प्रेम, चकवी चकवा दोनों बड़े प्रेमी, चकवी चकवा दोनों बड़े प्रेमी हैं, तो उनको चकवी चकवा का मजाक बनाती हुई सारस पत्नी लक्ष्मण बोलती। सारस पक्षी होते हैं धान के खेतों में, आजकल बहुत दिखाई देते हैं तालाबों में, सफेद ऊंचे बड़े ऊंचे दो पक्षी साथ साथ रहते हैं सारस, एक उसमें मादा का नाम है लक्ष्मणा और उसका नाम सारस है। तो सारस पत्नी लक्ष्मणा ने चक्रवाकी से कहा, चक्रवाकी तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर, भादो की अमावस्या की अंधियारी रात बिजली चमक रही, दामिनी दमक रही, घन घोर घटा उमड़ रही, घन गर्जन मंद्र मंद्र हो रहा, और तुम अपने प्रियतम से विप्रयुक्त होकर के जीवित कैसे रहती हो? तुम्हारा हृदय वज्र के तुल्य है, इसीलिए फट नहीं जाता, नहीं तो ऐसे अवसर पर अपने प्रियतम से विप्रयुक्त होकर जीवित रहना असंभव है। तुम जीवित रहती हो इसीलिए सिद्ध होता है तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर। तो चक्रवाती ने कहा, हाँ सखी तुम ठीक कहती हो, हमारा हृदय जो बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर हमारा हृदय है, किंतु सखी ऐसे प्रीतम के विप्रलम्ब जन तीव्र ताप के पश्चात जो प्रीतम के सम्मिलन का सुख होता है तुम उससे परिचित नहीं, तुम उसको जानती नहीं। विप्रयोग जन तीव्र ताप के पश्चात जो प्रीतम सम्मिलन का सुख है तुम उसकी उससे अपरिचित जानती नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो जहां वियोग हुआ तहां तुम में से एक मर जाता है। लक्ष्मणा मर गई तो थोड़ी देर में सारस मर जाता है, सारस मर जाता है तो थोड़ी देर में लक्ष्मणा मर जाती है। तो तुम तो दुप्रलम्ब जन तीव्र ताप सहन ही नहीं कर सकते, मर जाते हो, तो इसलिए ताप के अनंतर होने वाले सम्मिलन के सुख को तुम कहा जाए। तो इसलिए सखी, इसलिए ही तो हरिवंश कहते हैं वो तो कायर है, पलायन करके भाग गया। जो जो ताप सहने का
मौका है तो ताप सहने की हिम्मत न करके प्राण त्याग करके भग गए। लेकिन चक्रमा की जो है उस ताप को सहने की हिम्मत दिखाती है और धैर्य से प्राणों को धारण करती है और मरण से भी कोट गुणित अधिक दारुण संताप का अनुभव करती हुई भी जीवित रहती है और विप्रलम्ब जन तीव्र ताप का अनुभव करती है। और राधा रानी याजकों का बल्कि बल्लभ संप्रदाय में तो मुख्य रूप से तापानुभूति ही परम पुरुषार्थ, विप्रलम्ब की अनुभूति ही परम पुरुषार्थ। ताप भगवत वियोग में ताप का अनुभव करना वही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ, सर्वात्म भाव की प्राप्ति का वही मूल है। उनके अनुसार पूर्वराग और संप्रयोग श्रृंगार ये दोनों उसी विप्रलम्ब की अनुभूति के साधन, विप्रलम्ब ताप के अनुभव का ये साधन है। क्योंकि जिसको छाया का सुख अनुभूत नहीं उसको घाम का ताप भी कहां मालूम पड़ता है। जो छाया को सुख को जानता है वही तीव्र आतप के संताप को जानता है, और जो तीव्र आतप के संताप को जानता है वही छाया के सुख को भी जानता है। जो आतप का संताप न जाने उसको वो छाया का सुख नहीं जानता, जो छाया का सुख नहीं जानता वो आतप के संताप को भी नहीं जानता। इस दृष्टि से ये रासलीला या वेणु गीत लीला ये सब क्या नाम जुगल गीत तो क्या नाम विप्रलम्ब श्रृंगार, तो लेकिन ये वेणु गीत और वेणु गीत पूर्व राग, वेणु गीत पूर्व राग है और राज पंचायत वही संभोग श्रृंगार है। तो इस सब का इतना ही मूल है कि विप्रलम्ब ताप के अनुभव की योग्यता हो जाए, विप्रलम्ब ताप के अनुभव की योग्यता के लिए ये सब भगवत सम्मिलन सुख है। इसलिए अंत में इसी के द्वारा उनके अंतकरण में अंतरात्मा में रोम रोम में भगवान विराजमान हो जाते हैं, फिर उसको भगवत भिन्न कोई वस्तु भाषित नहीं होती, इसलिए सर्वोत्तम पुरुषार्थ होता है। श्री राम जय जय राम। आय रथ मारुह्य प्रजो नंद गोकुलम। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया तो बड़े आदर के साथ भर्तुः संदेशम आदाय, भगवान कृष्ण को उद्धव वैसे तो खानदानीय थे, कृष्ण के पिता वसुदेव जी के भ्राता जो थे देवभाग, उन देवभाग के ही पुत्र उद्धव थे, इसलिए चचेरे भाइये, तो भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति, श्री कृष्ण को ईश्वर मानकर परमेश्वर मानकर उनमें वो भक्ति करते हैं, इसलिए उनको अपना भर्ता स्वामी मालिक मानते हैं। इसलिए भर्तुः संदेशम आदाय, भर्ता माने स्वामी श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कन्द भगवान का संदेश बड़े आदर के साथ ग्रहण करके रथ मारुह्य प्रजो नंद गोकुलम, रथ पर आरूढ़ होकर के और नंद के गोकुल में गए। प्रजो नंद गोकुलम प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचित विभावसौ। यद्यपि बहुत नजदीक है, दूर है मथुरा से गोकुल, समीप ही है, तो भी प्रेम के कारण उद्धव जी की गति भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनते सुनते, गोपांगनाओं का महिमा सुनते सुनते, वहीं उद्धव के मन में गोपांगनाओं के प्रति प्रेम, ब्रज के प्रति प्रेम और श्री कृष्ण की भक्तजनों के प्रति परम अनुराग उत्पन्न हुआ था। तो चलने में बदाती चलने में विलंब होगा और प्रेम विह्वल होने के कारण पहुंचने में देरी होगी, इसलिए भगवान ने रथ दिया। और ये भी बतलाया कि भगवान ने अपना ही भूषण अलंकार पहनाकर और अपना ही रथ देकर और
रथ को देख करके ही लोगों को ये प्रतीति हो मानो श्री कृष्ण भगवान ही आ गए, ऐसी बुद्धि लोगों को हो। इस दृष्टि से सब गोकुल का परम आकर्षण होने के लिए अपने ही वेशभूषा में अपने ही रथ के द्वारा भगवान ने उद्धव को भेजा। तो प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, नंद के ब्रज में पहुंच गए। कब पहुंचे? बोले निम्बलोचित विभावसौ, सूर्य नारायण के अस्तंगत होते होते। सूर्य नारायण अस्ताचल कुछ चल रहे थे उसी समय। निम्बलोचित विभावसौ, विभावसु माने सूर्य नारायण, छन्न जान प्रविशताम, और कहते प्रविशताम पशु नाम खुर रेणु भी छन्न जाना, जो गाय आदि, गाय बछड़े आदि पशु हैं वे सायंकाल के समय ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। वन से आए, अरण्य से आए हैं चर करके, सायंकाल गाय बछड़े वत्स बत्तख सभी वन में घास आदि चर करके और गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। गोकुल में प्रवेश करने वाले गायों बछड़ों के जो खुरों से उत्पन्न रेणु, उस रेणु के द्वारा उनका रथ जो है वो आच्छन्न हो छिपा हुआ, माने किसी को सहसा ये ज्ञान नहीं हुआ कि कोई रथ आ रहा। एक तो सूरज अस्ताचल को चले गए थे, अंधेरा हो चला था, और दूसरे पशुओं के खुरों से उत्पन्न रेणुओं के द्वारा नभोमंडल व्याप्त हो रहा था, उसमें भी रथ आच्छन्न होने के कारण लोगों को सहसा विज्ञान नहीं हुआ। चन्न जान प्रविशताम पशु नाम खुर रेणु भी, ब्रज की शोभा स्वाभाविक रूप से बासितार्थे विद्युद्धित भीर नादितम सुस्मे भीर ब्रशई धावंती भीश्च बासराधी रूधो भारई सुबत्सकान। विश्वनाथ चक्रवर्ती यहां कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के वियोग से सारा ब्रज संतप्त और किसी में किसी प्रकार का उत्साह नहीं, हर्ष नहीं, अतएव वैसी शोभा भी नहीं, तो भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने परम भक्त उद्धव को अपने दिव्य धाम ब्रज की शोभा अनुभव कराने के लिए जो श्री कृष्ण विप्रयोग प्रकाश है, श्री कृष्ण के वियोग का जो प्रकाश है उसको आवृत कर दिया। माने श्री कृष्ण के वियोग में जो ब्रज की दशा है उस दशा को आवृत करके छिपा करके, श्री कृष्ण के संयोग में जो ब्रज का प्रकाश होता था उस प्रकाश को दिखलाया। श्री कृष्ण के संयोग में जो ब्रज का प्रकाश होता था उसी प्रकाश को दिखाया। इसलिए प्रत्येक ब्रजवासियों में ऐसा उत्साह उत्पन्न कर दिया। ये तो सभी आस्तिक मानते हैं कि प्राणियों की संपूर्ण चेष्टाएं अंतर्जामी की प्रेरणा से प्रभावित होती, संपूर्ण गतिविधि प्राणियों की अंतर्जामी की प्रेरणा से प्रभावित रहती है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, गीता स्पष्ट करती है कि ईश्वर ही यंत्रारूढ़ के समान सभी प्राणियों को प्रेरणा दे करके विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। हे सहु एव साधु कर्म कारयत तम जमेभ्यो उन्नीशते, हे सहु एव असाधु कर्म कारयत तम जमेभ्यो अधोनिनीशते। भगवान की प्रेरणा से ही प्राणी सत्कर्म करके ऊर्ध्व लोकों में जाता है
भगवान की ही प्रेरणा से प्राणी असत असत कर्म करके निकृष्ट लोकों में जाता है। ये दूसरा शास्त्रार्थ है कि वो प्रेरणा प्राणियों की प्राणियों के अपने स्वस्व कर्मानुकूल होती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ने में प्रवृत्त होता है तब अध्यापक उसको पढ़ाता है, अगर विद्यार्थी पढ़े नहीं तो अध्यापक उसको क्या पढ़ावे। इसलिए देवदत्त देवदत्त को पढ़ाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए देवदत्त जगदत्त काष्ठम पाठयति नहीं बोल सकते, जगदत्त किसी काठ को पढ़ा रहे हैं ये नहीं बोला जा सकता। क्यों? कि काष्ठ पठनानुकूल व्यापारवान नहीं है। देवदत्त तो पठनानुकूल व्यापारवान है, काष्ठ पठनानुकूल व्यापारवान नहीं है। इसलिए सक्रिय सच जब प्रईस सब प्रईसो विषय उणिचा, सक्रिय का जो प्रईस है वही उणिच का विषय हुआ करता है। इस दृष्टि से जो व्यापारवान है उसी में इणिच प्रत्यय होता है, उसी से कार्य इत्यादि बनता है। तो एतावता अपने अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार लोग तत्त कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तब भगवान प्रेरणा दे करके शक्तिशाली बना करके उनको उन कर्मों में लगाते हैं। ये नहीं कि अकस्मात भगवान किसी से शुभ कर्म करा करके उत्कृष्ट लोकों में पहुंचाए दे, किसी से अशुभ कर्म करा करके किसी को निकृष्ट लोकों में पहुंचाए दे, ऐसा नहीं। इसलिए बादरायण ने इस पर विचार किया है, वैषम्य निर्घृण इत चे न सापेक्षत्वात्। अगर मनमानी ईश्वर शुभाशुभ कर्म कराए तो वैषम्य निर्घृण दोष आ जाएगा। भगवान क्यों किसी को शुभ कर्म करके उत्कृष्ट लोकों में पहुंचाते हैं, क्यों किसी को अशुभ कर्म करा करके निकृष्ट लोकों में पहुंचाते हैं, विषमता दोष भगवान में आरोपित हो जाएगा, निर्घृणता निर्दयता भगवान में आरोपित हो जाएगी। उन दोषों को दूर करने के लिए भगवान बादरायण व्यास अपने सूत्रों में लिखते हैं कि प्राणियों के कर्म की अपेक्षा करके ही भगवान प्राणियों को प्रेरणा करते हैं। इसलिए कृतप प्रयत्नापेक्षस्तु भेतत प्रसिद्धा बह्यर्थ्यादिभ्यः, ये भी सूत्र है। जीव के किए हुए प्रयत्न की अपेक्षा से ही जीव उसको तत्त्व कर्मों में भगवान जीव के किए हुए प्रयत्नों की अपेक्षा से ही भगवान उनको उन विभिन्न कर्मों में लगाते हैं। तभी शास्त्र विहित और शास्त्र निषेध, शास्त्र विहित शास्त्र निषिद्ध स्थिति की सफलता होगी, नहीं तो विधि निषेध व्यर्थ जाएगा। किसी आदमी के हाथ पांव हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए हैं तो उसको कौन कहेगा तुम जल माने, तुम जल लाओ? इसके हाथ पांव हथकड़ी बेड़ी से बंधे हुए हैं उसको कोई प्रेरणा कर नहीं सकता। प्रेरणा उसी को किया जा सकता है जो कर सकता, जो कर सकता न हो उसको प्रेरणा नहीं दी जा सकती। जब प्राणी शुभ कर्म में प्रवृत्त हो सकता है, अशुभ कर्म से निवृत्त हो सकता है, तब उसके लिए प्रेरणा सार्थक, तब उसके लिए विधि और निषेध सार्थक। अगर प्राणी स्वतंत्र ही नहीं है शुभाशुभ कर्म करने में, अशुभ कर्म से निवृत्त होने में स्वतंत्र नहीं, शुभ कर्म में प्रवृत्त होने में स्वतंत्र नहीं, तब उसके लिए ईश्वरीय विधि निषेध, ईश्वरीय विधि निषेध और राजकीय विधि निषेध भी, राजकीय कानून राजकीय विधि निषेध भी उस पर लागू नहीं हो सकता और ईश्वरीय विधि निषेध भी उस पर लागू नहीं हो सकता। ये तभी लागू हो सकता है जब प्राणी स्वतंत्र हो, बुरे कर्म से हटने में अच्छे कर्म में प्रवृत्त होने में प्राणी स्वतंत्र हो, तभी उसके लिए प्रेरणा हो सकती है। किंतु यहाँ तो दूसरी स्थिति है, यहाँ तो ये सब ब्रजभक्त भगवान के परम कृपा पात्र हैं और यहाँ कोई ऐसा कोई शुभाशुभ कर्म का कोई प्रसंग भी नहीं है। ये तो केवल मात्र इस दृष्टि से कि अपने परम भक्त उद्धव को ब्रज की, जो कि भगवान का दिव्य धाम है, ब्रज धाम भगवान का दिव्य धाम है, जिसके ध्यान करने से प्राणी का कल्याण होता है। ब्रज का ध्यान किया जाता है, वृंदावन धाम का ध्यान किया जाता है, वहां के गोवर्धन आदि का ध्यान किया जाता है, कृष्ण सरोवर कृष्ण कुंड राधा कुंड का ध्यान किया जाता है, प्रेम सरोवर का ध्यान किया जाता है। ये सब ध्येय वस्तु, जैसे जैसे भगवान ध्येय हैं
जैसे भगवान का नाम ध्येय है, रूप ध्येय है, लीला ध्येय है, धाम ध्येय, नाम रूप लीला धाम ये सब का सब भगवत स्वरूप है, इसलिए सब का सब ध्येय है। भगवान का ध्यान किया जाता है, भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, सब का ध्यान किया जाता है। तो पहले पहले उद्धव ब्रज जा रहे हैं, तो उद्धव को ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है, ब्रज की जो शोभा है, ब्रज की शोभा और ब्रज के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कराना भगवान अपना उचित समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं। इसलिए अपनी प्रेरणा से, अपनी मंगलमयी दिव्य लीला शक्ति के प्रभाव से कृष्ण वियोग का जो प्रकाश है ब्रज में, उसको आवृत कर दिया, ढक दिया। और कृष्ण के संयोग का जो प्रकाश है, कृष्ण के संयोग में जो ब्रज की रूपरेखा बनती थी, जो ब्रज का प्रकाश बनता था, वो प्रकाश दिखाया, वो प्रकाश दिखाया। उसी प्रकाश को देखते हुए क्या देखा कि बासितार्थे भिजुध्यद्भिः नादितम् सुष्मभिर्वृषैः। ब्रज में बड़े बड़े साण, बड़े बड़े साण गवेंद्र, वो गवेंद्र जो है मत्त गजेंद्र, बड़े बड़े मत्त गजेंद्र नाद कर रहे हैं, हुंकार करते हुए, जय जय आराव करते हुए, जय जय का आराव करते हुए मत्त गवेंद्र, जो कि बासितार्थे विजुद्धिद्विही, माने ऐसी गायें जो कि माने संसार में तो मनुष्यों की प्रवृत्ति तो पशु से भी निकृष्ट है, उनके लिए कोई काल वाल का विचार नहीं होता, लेकिन पशुओं में तो विचार होता। तो जो गवेंद्र सांड उसी गऊ के पीछे पड़ता है जो गऊ इसके योग्य, अर्थात ऋतु ऋतु काल वाली हो, ऋतुमती ऋतुमती जो गाय हो, ऋतुमती गाय का ही अनुसरण करता है गवेंद्र, वही उसी को बासिता कहते, बासिता भोगयोग्या, भोगयोग्या बासिता। तो बासितार्थे विजुद्धिद्भिः, उसके लिए सांड लोग आपस में युद्ध करते, लड़ते, सांड लोग आपस में युद्ध करते। ये सब जो है सो गऊओं में, बछड़ों में, गवेंद्रों में, ये सब शोभा की चीज होती है, आनंद की चीज होती है। तो बासितार्थे विजुद्धिद्भिः मत्त गवेंद्र बासिताओं के लिए, गऊओं के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। और धावंती भिश्च बास्त्राभिहि, गऊए दौड़ रही हैं। कौन गऊए? बास्त्रा गऊए, माने जो कि का सद्य प्रसूता है, जो कि अभी जल्दी जो ब्याई हुई है, शीघ्र की ब्याई हुई जो गऊए हैं, वो गऊए अपने बछड़ों के लिए दौड़ रही हैं। बछड़े जरा सा अलग होती हैं, आंख के ओट होती हैं, तो उनको ढूंढने के लिए गऊएं दौड़ पड़ती हैं। और ऊधो भारैश्च, और उन गऊओं का थन का भार खूब है, थन में दूध खूब भरा हुआ है, नवीन ब्याई हुई है, थन में खूब दूध भरा हुआ है। ऊधो भार से युक्त वो गऊएं, खूब दूध देने वाली सद्य प्रसूता गऊएं अपने बछड़ों के लिए दौड़ रही हैं। और बछड़े भी अपनी उन दूध पिलाने वाली माताओं को पाने के लिए उछल उछल कर उनके पास पहुंच रहे हैं। ऊधो भारी स्वबत्सकान इतस्ततो बिलंघत भिर गोबत्सैर मंडितम सितैहि। और गऊओं के बछड़े इतस्तता बिलंघत भी उछल रहे हैं, छलांग मार रहे हैं, और वो सफेद सफेद सुंदर सित वर्ण के, सफेद वर्ण के सुंदर बछड़े, उन बछड़ों से वो ब्रज मंडित हो रहा, उन गऊओं से, उन गवेंद्रों से, उन बछड़ों से वो ब्रज की शोभा आभा प्रभा बढ़ रही। ब्रज की शोभा तो गऊओं से ही, गवेंद्रों से ही, बछड़ों से ही, जहां
अब आजकल उतने सांड नहीं, उतने गायें नहीं, उतने बछड़े नहीं, तो अब शोभा उतनी नहीं दिखाई देती। इस समय चारों ओर ब्रज में गाय गायें, बड़ी उत्तम उत्तम गायें, गायें इतनी सुंदर होती हैं, किसी किसी सौभाग्यशाली के यहाँ बढ़िया गायें होती हैं, तो उनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। बढ़िया हृष्ट पुष्ट प्रसन्न सांड, उनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। उछलते कूदते हुए बछड़े, उनका तेज ऐसा होता है, उनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भैंस का दूध पीने वाला भैंस का जो बच्चा है वो बड़ा आलसी, बड़े धीरे धीरे चलता है, बोलता भी नहीं। लेकिन गाय का बछड़ा उसके दूध में चमत्कार है, वो दूध पी करके ऐसा उछलता है, थोड़े दिन का बछड़ा इतना उछलता है कि उसको पकड़ सकना मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाय के बछड़े का दूध, गाय का दूध पीने से हो जाता है, तेज आता है, स्फूर्ति आती है, बल आता है, विद्या बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। और भैंस का दूध पीने से जैसे वो भैंस के बच्चे की हालत होती है, वैसे दूध पीने वाले की हालत होती है। इतस्ततो बिलंगत भिर्गो बत्सैर मंडितं सितैहि और गोदोह शब्दाभिरवम वेणु नाम निस्वनेन च। वो ब्रज जो है, ब्रज का विशेषण है, वो ब्रज मंडित है, उन बछड़ों द्वारा, उन दिव्य गवेंद्रों द्वारा और ऊधो भार से युक्त उन सद्य पाठेनुओं द्वारा, और वो ब्रज अत्यंत मंडित है, शोभित। और गो शब्दाभिरवम, गोदोह शब्दाभिरवम, गऊ के दोहन का भी एक शब्द होता है। गऊ के दोहने में जो शब्द होता है, दूध की धार गिरती है पात्र में, उसका एक शब्द होता है। तो जहां एक दो गऊ दुही जाती होता है, साधारण शब्द होता है, जहां लाखों गायें दुही जा रही है, एक गाय, दो गाय, दस गाय नहीं, हजारों लाखों गायें जहां दुही जा रही है, तहां उनका कितना बड़ा शब्द होगा। तो गो दोहन का जो सुंदर राव है, निनाद है, गोदोहन का जो राव है, निनाद है, उसका गोदोह का अभिराव है, जिसमें ऐसा ब्रज, गोदोह शब्दाभिरवम, गोदोह के शब्द का अभिरव है, जिस ब्रज में ऐसा ब्रज में, या नंदगोकुल में, नंदगोकुलम का विशेषण है, नंद गोकुलम ब्रजम उद्धवा जयऊ, नंद गोकुल जो है ब्रज, उसमें उद्धव गए। वो कैसा नंद गोकुल है कि ऐसे ऐसे गवेंद्रों से, बछड़ों से, गायों से मंडित है, और गोदोहन के शब्द का अभिनव हो रहा है, जिसमें चारों तरफ गोदोहन के शब्द का नाद हो रहा है, गोदोहन के शब्द का अभिराव हो रहा है चारों तरफ, जिसमें ऐसा गोकुल। और वेणु नान नुस्वनेन च, वहां वेणु भी बजाई जा रही, ग्वाल बाल जो गायों के पीछे हैं, बछड़ों के पीछे हैं, वो वेणु नाद कर रहे हैं। श्री कृष्ण से सब सीख रखा था ना, वेणु वाद्य उरुधा निज शिक्षा, वहां लिखा है युगल गीत में माने परंपरा, हर एक वादन की परंपरा होती है, तबला के बजाने की परंपरा, वीणा बजाने की परंपरा, और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के वाद्य गीत आदिकों की परंपराएं होती। तो परंपरा से भी वेणुनाद कृष्ण ने सीखा है, साथ ही निजी भी शिक्षा, निजी आविष्कार, कृष्ण के कुछ निजी आविष्कार थे वेणु वादन में, कृष्ण के कुछ निजी आविष्कार थे, इसलिए कृष्ण का वेणुनाद सुन करके ब्रह्म रुद्र इंद्र आदि भी मोहित हो जाते थे। शक्र सर्व परमेष्ट पुरोगा कस्परं यजुर अनिश्चित तत्वा, शक्र माने इंद्र, सर्व माने शिव जी, और
चक्र सर्व परमेष्ठी माने ब्रह्मा, ये सब चक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगा, ये सब कृष्ण का वेणुनाद सुन करके मोहित हो जाते थे। अनिश्चित तत्व समझ में नहीं आता था, क्या है, क्या अभिप्राय, क्या है, कौन सी मोहिनी है, कौन सा जादू है, कौन सा तंत्र इस वेणुनाद में है कि ब्रह्मा भी मोहित हो जाए, शिव भी मोहित हो जाए। गीत तो सुनाई पड़ता था गोपांगनाओं को, गीत और कोई सुनाई, उनको तो नादे नाद सुनाई पड़ता था, तो नाद का कोई अर्थ नहीं होता, नाद तो अव्यक्त होता, उसमें वर्ण अनभिव्यक्त होते, वर्ण स्फुट नहीं होते नाद में, किंतु गीत में अक्षर सुस्फुट होते हैं, उनका अर्थ विदित होता है। तो गोपांगनाओं को तो वेणु गीत पीयूष का रसास्वादन होता था, और लोगों को वेणु नाद श्रवण करने को मिलता था जिसका कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता था, इसलिए कुछ न समझ करके शास्त्र सर्व परमेष्ठ प्रवृत्ति भी मोहित होते थे, उसमें मोहित हो जाते थे। तो इसलिए उनसे ग्वाल मानव ने भी सब सीखा, ब्रज में सिखाया जाता, ब्रज में लीला जो दिखाई जाती है उसमें श्री कृष्ण भी बहुत से ग्वालों से नाच सीखते थे, नाचना कैसा चाहिए, नाचना कैसा चाहिए वो सीखते थे, बड़े गोप जो है वो कृष्ण को नाचना सिखाते, हर एक चीज सीखने की होती है, तो इसे नृत्य भी सिखाते थे। तो इसी तरह से दूसरे छोटे छोटे ग्वाल बाल श्री कृष्ण से सब कुछ सीखते थे। तो गोदोह शब्दाभिरवम गोकुलम वेणु नाम निस्वने नच मंडितम, वेणुओं के निनाद से भी गोकुल मंडित, विभिन्न लोग वेणु बजा रहे हैं, सृंग बजा रहे हैं, कोई वेणु बजा रहे हैं, उसके नाद से भी गोकुल मंडित है, शोभित है। गायंती भिश्च कर्माणिषु उपलक्षण है, मतलब कि वीणा वादन भी हो रहा, कहीं वीणा वादन हो रहा, कहीं पर क्या नाम है, मुरज है, मृदंग है, आदि आदि के भी वाद्य हो रहे हैं। अभी ऐसा इसीलिए तो कहा, वस्तुता तो कृष्ण में प्रयोग जन तीव्रताप में संतप्त वृद्धि में ये सब संभव नहीं, मुरझाया हुआ ब्रज, वहां की लताएं भी मुरझाई हुई, वहां के ग्वाल बाल भी गई गायें भी मुरझाई हुई, श्री कृष्ण के भी प्रयोग जन तीव्रताप में संतप्त थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त उद्धव को ध्यान के लिए दिव्य अपने अपने ब्रजधाम को अनुभव कराने के लिए प्रेरणा दे करके सब में उत्साह भर दी, कृष्ण की प्रेरणा से ये सब उत्साह आ गया, ग्वाल बाल वेणु बजाने लग गए, मसृंग बजाने लग गए, गोपांगना वीणा बजाने लग गई, वीणा वादन पूर्वक गायंती भिश्च कर्मानुसुधान बल कृष्ण बलराम और कृष्णचंद्र के, श्री बलराम और श्री कृष्णचंद्र के जो मधुर मनोहर मंगलमय परम पवित्र चरित्र ब्रज में हुए उन्हीं चरित्रों को गान कर रहे हैं। गोपांगनाथ को तो स्वभाव ही था, गायन तो गोपो जनता दुरागा श्री कृष्ण दामोदर माधवेती, वो तो भगवान के मंगलमय नाम को भगवान के मंगलमय गुणगणों को निरंतर गाती रहती ही है। तो वीणा वादन पुरस्कार और राग रागिनी सब उनका अनुसरण करती है, वो राग रागिनी ढूंढती नहीं, राग रागिनी अनुसरण करती है उनका अपनी सफलता के लिए, इनके इनके गीत में हम संयुक्त हो जाएं तो हमारी सफलता हो जाए, इस तरह से स्वभाव से वो जो कुछ भी बोलती। इसीलिए वो आनंद वृंदावन चंपू में कहा है कि ब्रजधाम के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं और सारी वहाँ की तरुणी साक्षात लक्ष्मी रूपा है और वहाँ का साधारण भाषण भी संगीत, साधारण भाषण भी संगीत है, अब गोपी गीत है, असल में गोपियों ने रोया है श्री कृष्ण के विप्रयोग जन तीव्रताप में संतप्त होकर रोया है, पर राग रागिनी ने साथ दे दिया और गीत बन गई, गोपी गीत बन गई। जयते धिकम जन्मना ब्रज श्रेत इंदिरा शश्व दत्री, ये सब जो गोपी गीत है, तो वास्तव में तो वो संतप्त होकर के कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, रो रही है कृष्ण से,
परंतु वो स्वभाव से ही राग रागिनी उनका अनुसरण करती हुई और वहाँ उनकी सेवा करती है, इसलिए उसे गीत बन जाती। गायंती भिष्ट कर्मान शुभान बल कृष्ण यो हो, बलराम और कृष्ण के परम शुभ चरित्रों को गायन कर रही जो गोपांगनाएं हैं, वो गोपांगनाओं से भी गोकुलम मंडितम, गोकुलम मंडितम का विशेषण, वेणु नाम निस्वनेन मंडितम और धावंती भी बास्त्रादी मंडितम, धावत भी उल्लंघत भी क्या नाम बसई ही मंडितम, इन सब से गोकुल मंडित है। और ऐसे श्री कृष्ण और बलराम के मंगलमय गुण बणों को गान करती हुई वीणा वादन करती हुई गोपांगनाओं के द्वारा भी गोकुल मंडितम, गोकुल मंडित। इतने नहीं कहते स्वरण कृता भी, स्वरण कृता भी गोपी गोपीर भी गोपैश्च सुविराजितम, गोपियां स्वलंकृत सुंदर अलंकार युक्त दिव्य भूषण बसन अलंकार को धारण कर रखा है। श्री कृष्ण प्रेरणा से उद्धव को दिव्य ब्रज का धाम दिखाने की दृष्टि से तो स्वभाव से ही नाना प्रकार के भूषण बसन अलंकारों से अलंकृत गोपांगनाओं के द्वारा और श्री कृष्ण के मंगलमय गुण गणों को गान करती हुई गोपांगनाओं के द्वारा गोकुलम मंडितम, नंद गोकुलम मंडितम। इसी तरह से कहते स्वलंकृत गोपैश्च, गोप भी सब स्वलंकृत दिव्य अलंकारों से अलंकृत, भूषण बसन धारण किए हुए दिव्य अलंकारों से अलंकृत हैं वो भी। अथवा ये समझ लीजिए कि वो कई चीजें ऐसी होती हैं कि किसी का स्वाभाविक शोभा आभा प्रभा भी अलंकार के रूप में होता है। कई बहुत भूषण बसन अलंकार धारण करें तो भी वो कोई शोभा आभा प्रभा नहीं व्यक्त होती, और कई लोगों का ये स्वाभाविक स्थिति होती है बिना भूषण बसन अलंकार के भी वो अत्यंत अलंकृत जैसे होते। इतना भी भूषण बसन अलंकार धारण करो अगर रोहिणी सूरत हो तो क्या करेगी वो भूषण बसन अलंकार क्या करेगी। इस तरह से अथवा वो जो हमने कहा कल की बात कि कृष्ण का क्या नाम ब्रज का प्रेम तीन प्रकार का, उत्कंठा प्रधान विश्रम्भव प्रधान और अविवेक प्रधान, तीन प्रकार का ब्रज का प्रेम। तो ये जो विप्रयोग जन तीव्र ताप की अनुभूति ये ज्यादा उत्कंठा प्रधान गोपांगनाओं को है, उत्कंठा प्रधान जो गोपांगना और उत्कंठा प्रधान जो नंद यशोदा प्रभृति, इन्हीं में कृष्ण विप्रयोग का रूप दिखाई देता है। जो अद्भुत संताप विरहजन्य संताप और एक प्रकार से सब प्रकार के भूषण बसन अलंकारों से रहित होकर और एक संताप की अनुभूति दुख की अनुभूति प्रतिक्षण व्यक्त करना, ये इन लोगों उत्कंठा प्रधान जिनको कि बताया कि श्री कृष्ण के दर्शन में भी श्री कृष्ण दर्शन में पूरा विश्वास नहीं होता। राधे मिले प्रतीत नावत, राधा अपने मदन मोहन श्याम सुंदर से मिल रही है तो भी उसको विश्वास नहीं होता कि हम मिल रहे हैं, उसको विश्वास होता हमको भ्रांति है, दिन रात चिंतन करती रहती है, इसीलिए हमको मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण मिले, वास्तव में मिले नहीं। हम अभागिन को कृष्ण का मिलना भाग्य में लिखा कहां, ये उनकी भावना थी। जैसे रंक चिंतामणि का पाना दुर्लभ समझता, रंक जो है चिंतामणि का पाना अपने लिए दुर्लभ समझता है, ऐसे राधा रानी श्री कृष्ण को पाना अपने लिए अति दुर्लभ समझता। जी कहते दुरापजन बरती, तो पहले ही जब कृष्ण मथुरा नहीं गए थे तभी बोल रही थी, दुरापजन बरतनी रतर पत्र पा भूयसी
गुरु तिबिश वर्षण मतरतीव दौस्थता बपु परसम जनु परम दंकुली नान्वे न जीवते तथापि किम परम दुर्मरो यंजना। उस समय तो कृष्ण मथुरा नहीं गए थे, कृष्ण ब्रज ही में थे, गोकुल ही में थे, कृष्ण का दर्शन भी होता था, कृष्ण का सम्मिलन भी होता था। तो भी समझते दुराप जन वर्तने रचर पत्र पा भूसी, हमारी रति जो प्रीति अनुरक्ति जो है वो दुराप जन में है, वो कृष्ण हमारे लिए दुराप है, दुष्प्राप्य है। जैसे रंग को चिंतामणि दुराप है, ऐसे कृष्णचंद्र परमानंद कन्न मदन मोहन हमारे लिए दुराप है। सखी क्या करे, दुराप जन वर्तनी रति, मेरे मन में जो रति है प्रीति है दुराप जन में है, दुर्लभ जन में है, जिसका दर्शन भी दुर्लभ है उसमें विधाता ने प्रीति पैदा कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में उत्कंठा प्रधान जो गोपांगना है और उत्कंठा प्रधान जो नंद यशोदा आदि है, उनमें ही ताप के चिन्ह विप्रयोग जन तीव्र ताप के चिन्ह भाषित होते हैं। लेकिन श्रीदामा प्रवृत्ति जो ग्वाल बाल है उनको तो विश्रम्भक प्रधान प्रेम है, वो तो समझते हैं प्रत्युत कृष्ण साथ ही रहते, कृष्ण कभी उनसे अलग होते ही नहीं। हम वृंदावन धाम में रहते थे तो उन दिनों एक रानी वहां रहती थी, वहीं के कहीं की पास की थी, तो कथाओं में भी आती थी और रास लीलाओं में भी आती थी। तो एक दिन समय लेकर हमारे पास आई, हमको तो हमारी रासलीला की कथा होती थी, तो गोपांगनाओं के बेरा का कुछ वर्णन आता था। तो वो उसने हमसे आकर कहा, महाराज आप क्या वर्णन करते हो, वो भगवान में सखा भाव मानती थी, भगवान को अपना सखा समझती थी, कि कभी सखाओं से पृथक एक क्षण के लिए कृष्ण होते ही नहीं, सुबल श्रीदामा आदिकों से अलग एक क्षण के लिए भी कभी नहीं होते। इस तरह से ऐसे जो सख्य भाव वाले ग्वाल बाल हैं उनको विश्रम्भक प्रधान प्रेम है, उनका ऐसा सुदृढ़ विश्वास है कि कृष्ण हमको छोड़कर एक क्षण कहीं जाते ही नहीं। वृंदावनम परित्यज पाद में कन्न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर के एक पद भी भगवान कृष्ण इधर उधर नहीं जाते। तो उनको कृष्ण भी प्रयोग ही नहीं, वो खूब भूषण भूषण अलंकार धारण करते हैं, खूब अपने आनंद से रहते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं। एक भद्र तनु की कथा है पद्म पुराण में भद्र तनु को ही था व्यक्ति, बड़ा सुंदर आकृति थी, बड़ी सुंदर आकृति थी, भव्य आकार था और कुछ अनाचार दुराचार भी था, अनाचार दुराचार भी उसमें था, परंतु किसी महापुरुष के संसर्ग से वो अनाचार दुराचार छोड़कर भगवान की उपासना में लग गया और थोड़े ही दिन में भगवान उसके पास आ गए, उसको भगवान ने दर्शन दे दिया थोड़ी दिन। और दर्शन लेकर के भगवान ने कहा, भैया हम तुमको अपना सखा बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, तुम हमारे मित्र, हम तुम्हारे पास आएंगे। भद्र तनु के पास भगवान आया करते थे, भद्र तनु खेलवान कृष्ण उनके साथ क्रीड़ा करते थे। तो भगवान ने अनुभव किया कि ये भद्र तनु दिनों दिन दुबला हो रहा, दुर्बल हो रहा। भगवान ने पूछा, भद्र तनु तुम दुर्बल क्यों हो रहे, क्या बात, कुछ खाने को नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, मक्खन नहीं मिलता, क्या बात, दुबले क्यों बताओ। भद्र तनु टालता रहा। अंत में भगवान ने आगे कि नहीं बताओ, हमारे सखा हो, हम तुम्हारे सखा हैं, विश्रम के साथ सीधा सीधा बताओ क्या बात। भद्र तनु ने कहा, महाराज वास्तविक बात यह है कि मुझको इस बात का डर बना रहता है कहीं मुझसे ऐसा कोई खराब काम न हो जाए कि भगवान अलग हो जाए हमसे, कहीं ये भगवान का जो दुर्लभ प्रसाद प्राप्त है, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान के दर्शन का सौभाग्य, भगवान के साथ पीड़ा करने का सौभाग्य, अगर कुछ हमसे दुर्भाग्य बस कोई खराब काम बन गया तो फिर भगवान ये हमारा सौभाग्य मिट जाएगा, ये हमको डर रहता है, इसीलिए हमको चिंता से न भोजन अच्छा लगे, न पानी अच्छा लगे, न दूध अच्छा लगे, न मक्खन अच्छा लगे, कुछ नहीं अच्छा लगे।
तो भगवान ने भद्रतनु से कहा, भद्रतनु तुम इसकी चिंता मत करो, हम जिससे एक बार मिल लेते हैं फिर उससे अलग नहीं, ये नहीं होता कि हम किसी से मिले और फिर अलग भी हो जाए, ऐसा नहीं। इसीलिए क्या है गीता में भी, अभिन्न माम प्राप्त न निवर्तन्ते मदभावम मदभावम आगता, जो माने भगवान को प्राप्त करके फिर प्राणी निवृत्त नहीं होता, ब्रह्मलोक जाकर के भी प्राणी लौट सकता है, इंद्रलोक जाकर के भी प्राणी का पतन हो सकता है, पर भगवान लोक जाकर के प्राणी का फिर पतन नहीं होता, पतन नहीं होता। इसलिए भद्रतनु हम जिसको अपनाते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं, बहुत से वचन है जिसमें स्पष्ट है कि भगवान को प्राप्त करके प्राणी की फिर पुनरावृत्ति नहीं, तो भगवान ने कहा तुम्हें चिंता मत करो। इसलिए कहते हैं कोई किसी गोपांगना के यहां भगवान श्री कृष्ण गए और उनके पांव में नूपुर थे, घुंघुर थे, कुकुस बजते, तो उसने कहा श्याम सुंदर है पाप के पांव में घुंघुर हैं ये बजते हैं, तो जब जाते हैं लोग, लोगों को मालूम हो जाता है इसलिए तुम घुंघुरों को निकाल दो ना, तो भगवान ने कहा तो सखी तुम ही निकाल दो, तो वो सखी घुंघुर निकालने लगी, तो दूसरी गोपी कहती अरे सखी तू क्या करती है पगली, ये क्या पागलपन का काम करती, जो घुंघुर भगवान के चरणों में आ गए हैं तुम उनको भगवान के चरणों से पृथक कर रही हो, इससे प्रभु को आदत पड़ जाएगी कि जो इनके चरणों में आए वो फिर हट भी सकता, तो ये आदत तू क्यों पैदा कर रही, अभी तक तो ये नियम है जो इनके चरणों में आता है इनसे पृथक नहीं होता, तू घुंघुरों को स्वयं पृथक कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में तू भी फिर कभी पृथक की जा सकती है, इसलिए ये आदत मत पैदा कर, ये भूल मत कर कभी, तो इसलिए निश्चित है तो ऐसे जो भक्त हैं विश्रम्भ प्रधान प्रेम वाले, इनकी दृष्टि में कभी भगवान का विप्रलंब होता ही नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, संबोधन करते हैं, उनसे संबोधित होते हैं, आनंद आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं, तो वही लोग स्वलंकृत हैं, और इस भाव की गोपांगना भी कितनी है, मैं गोपांगना भी सब एक ही भाव की थोड़े ना, मातृभावना वाली कितनी गोपांगना है, कृष्ण को अपना अपना लाडले लाल समझती है, ऐसे भी है बहुत सी गोपांगना भिन्न भिन्न भावना वाली है, तो वो जो इस प्रकार के सख्य भाव वाली गोपांगना या दूसरे भाव वाली गोपांगना जिनका विश्रम्भ प्रधान प्रेम है, वही गोपांगना स्वलंकृत है और वही गोप जो है क्या नाम स्वलंकृत है, इसलिए वही वीणा वादन पुरस्सर वेणु वेणु वादन पुरस्सर ब्रज को अलंकृत कर रहे हैं, नंद गोकुल को अलंकृत कर रहे हैं, और साथ ही वो जो गायें हैं बछड़े हैं वे तो उनमें तो कृष्ण का स्थाई भाव का अर्थ वही होता है जैसा कि हमने कई बार कहा है, स्थाई भाव मन जैसे द्रवीभूत लाह में कोई रंग डाल दे तो रंग का स्थाई भाव बन जाता है, लाह पिघल जाए, पिघली हुई लाह में हल्दी का रंग डाल दे तो रंग जो है लाह के अणुअणु परमाणु परमाणु में फैल जाता है, स्थिर हो जाता है, तो स्थिर हो जाना यही स्थाई भाव, तो जिनका अंतकरण द्रवीभूत हो गया, पूर्ण द्रवीभूत अंतकरण में भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप अंकित हुआ, जो लीलाएं अंकित हुई, जो भावनाएं अंकित हुई, वही स्थाई भाव, तो स्थाई भाव अपन जो भगवान की लीलाएं, भगवान के चरित्र, भगवान का स्वरूप वो अडिग है, एक रस है, तो ऐसे जो श्री कृष्ण लीलाओं का स्थाई भाव जिनके अंतकरण में उद्भूत है, श्री कृष्ण के स्वरूप का, श्री कृष्ण के चरित्र का स्थाई भाव जिनके अंतकरण में उद्भूत है, उनके लिए वही रूप दिखाई दे रहा दूसरे रूप कभी दिखाई नहीं देता, इसका वर्णन किया है मधुसूदन सरस्वती ने कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो सारे विश्व को कृष्ण रूप में देखते हैं, सारा विश्व कृष्ण, भूतानि भगवत्यात्मन नेश भागवतोत्तमः सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनि भूतानि भगवत्यात्मन नेश भागवतोत्तमः एकादश स्कंध।
जो संपूर्ण भूतों को संपूर्ण प्राणियों को भगवत आत्मा में देखते हैं, भगवान की भगवत स्वरूप में संपूर्ण भूतों को देखते हैं और संपूर्ण भूतों में भगवत भाव को देखते हैं, तो ऐसे को भागवतोत्तम कहा। एक भागवत और एक एक प्राकृत भागवत और एक मध्यम भागवत और एक भागवतोत्तम। तो भागवतोत्तमों का ये लक्षण, प्राकृत भक्त का लक्षण है जो कि केवल अर्चायामेव हरे, भगवान की तत्त्व मूर्तियों में ही भगवान की पूजा करता, न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः, और भगवान के भक्तों में प्रेम नहीं करता और दूसरों में प्रेम नहीं करता, केवल मूर्ति में ही प्रेम करता है, मूर्ति की पूजा करता है, उसी में तल्लीन रहता है, वो आरंभ काल का भक्त है, प्राकृत भक्त है, आरंभ का भक्त, प्रकृति आरंभा शास्त्र भाव प्राकृत प्राकृत भक्त है। और दूसरा भक्त जो है ईश्वरे तदीने सु बालिशेषु तु सत्सुचो प्रेम मैत्री कर्पोपेक्षा यह करो तो समध्यमा, वो मध्यम भागवत है, क्योंकि ईश्वर में प्रेम करता है, ईश्वराधीन भक्तों में प्रेम उनमें मैत्री करता, ईश्वराधीन भक्तों में मैत्री रखता, ईश्वर में भगवान में अनन्य प्रेम रखता है, भगवत भक्तों में मैत्री रखता है, और बालिश जो है मूर्ख लोग उन पर अनुकंपा रखता है, कृपा रखता है, और जो शत्रु है उनकी उपेक्षा रखता है। ये मध्यम कोटि का भक्त है, भगवान में प्रेम, भगवत भक्तों में मैत्री और मूर्ख जनों में अनुग्रह और शत्रु जनों में उपेक्षा। तो और उत्तम भागवत कौन है, जो सारे विश्व को कृष्ण ही देखता है, जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण को छोड़कर कुछ नहीं। तो क्यों बना ऐसे, तो ऐसे बना जैसे कोई पानी की टंकी में कोई रंग डाल दिया, और रंग जो है रंग से वो पानी की टंकी का पानी सब भरन गया। अब जहां जहां नलों द्वारा वो जल निकलेगा उसी रंग में निकलेगा, और अपने से संश्रेष्ट वस्तुओं को अपने रंग में रंग कर ही जो भी उस जल से संश्रेष्ट होगा उसी रंग में रंगा जाएगा। ये तो है दृष्टांत। यहाँ क्या है, अंतःकरण, अंतःकरण है सरोवर, महान सरोवर, और वही अंतःकरण भगवत प्रेम में पिघल गया, लाह की तरह अंतःकरण पिघल गया, लाह की तरह जो भगवत भक्त का अंतःकरण पिघल गया, उस पिघले हुए अंतःकरण में भगवत स्वरूप का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे पिघली हुई लाह में हल्दी का रंग डाल दिया, जैसे पिघले हुए अंतःकरण में भगवान का रंग, भगवान का स्वरूप, भगवान का चरित्र, भगवान का गुण आदिर्भूत हो गया, तो जैसे हल्दी का रंग पिघली हुई लाह में स्थिर हो जाता है, ऐसे ही भक्त के द्रवीभूत अंतःकरण में भगवान का चरित्र, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम अंकित होकर के सुस्थिर हो जाता है। वही अंतःकरण कानों द्वारा निकलकर शब्द सुनता है, वही अंतःकरण आंखों द्वारा निकलकर रूप देखता है, वही अंतःकरण नासिका द्वारा निकलकर गंध ग्रहण करता है, वही अंतःकरण त्वक द्वारा बहिर्भूत होकर के स्पर्श को ग्रहण करता है, शब्द स्पर्श रूप गंध का ग्रहण अंतःकरण ही से होता है। केवल आंख नहीं रूप ग्रहण करती, केवल घ्राण नहीं गंध ग्रहण करती, किंतु घ्राण द्वारा प्रवृत्त गंधाकाराकारित वृत्ति, घ्राण द्वारा प्रवृत्त अंतकरण की गंधाकाराकारित वृत्ति गंध को ग्रहण करती, नेत्र द्वारा निकली हुई अंतकरण की रूपाकाराकारित वृत्ति रूप को ग्रहण करती, रसना द्वारा अंतकरण की वृत्ति रसाकाराकारित होकर के रस को ग्रहण करती। ये सिद्धांत है, वेदांत का भी, सांख्य का भी, योग का भी, सबका यही सिद्धांत है, नैयायिकादिकों का कुछ से भिन्न मत है। तो कहने का अभिप्राय यही, अब वो अंतकरण जिसकी वृत्ति मन करके शब्द स्पर्श रूप सुगंध को ग्रहण करती है, वो अंतकरण कृष्ण रंग में रंगा गया,
कृष्ण के रंग से वो अंतकरण ही रंगा हुआ, इसलिए कृष्ण रंग से रंगे हुए अंतकरण ही की वृत्ति अगर रूप को ग्रहण करती है तो कृष्ण रूप ही में ग्रहण करती है। कृष्ण रूप ही तो वो रंग जिसको जिसको छूता है अपने रंग से रंग लेता, वो रंग जो है जिसको छूता है अपने रंग से रंग लेता। तो वृत्ति जो है भगवान के रंग से रंगे हुए अंतकरण की वृत्ति जिसको छूती है उसको अपने रंग में रंग करके ही ग्रहण करती। इसका भी उदाहरण आप ले, जैसे जैसे बिजली में अगर लाल लट्टू आप लगा दोगे तो लाल लट्टू आप जिस वस्तु को प्रकाशित करेगा अपने रंग से रंग कर ही प्रकाशित करेगा। सारे कपड़े मकान के सारे कपड़े लाल लाल दिखाई दे, हरा लट्टू होगा तो हरे लट्टू के संसर्ग से बिजली का प्रकाश हरा हो करके हर एक वस्तुओं को हरा बना करके ही प्रकाशन करेगा। तो जैसे ये दृष्टांत है उसी तरह से भगवान के रंग से भगवान के चरित्र से भगवान के गुण से रंगा हुआ जो अंतकरण उस अंतकरण की वृत्ति चक्षु द्वारा निकल करके रूप को ग्रहण करती हुई अपने रंग से रंग करके रूप को ग्रहण करेगी। इसलिए उस भक्त का वो भक्त की भक्त के नेत्र दुनिया में जो रूप देखेंगे श्यामी रूप देखेंगे। दूसरा रूप वो कांगना कहती सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी मैं श्याम रंग से रंगी हूँ, इसलिए दुनिया की सब चीजें हमको श्याम ही श्याम दिखाई देती है। मालूम पड़ता है पीला रंग सफेद रंग नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं, उनको सिवा श्याम रंग के दूसरा रंग ही नहीं दिखता। क्या मतलब है, उनका अंतकरण श्याम रंग से रंगा हुआ, श्याम रंग से रंगे हुए अंतकरण की वृत्ति निकलकर जिस रूप को ग्रहण करती है श्याम रंग में रंग करके ही उसको प्रकाशित करती है। इसी तरह से उनका अंतकरण कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र की सुमधुर अधर सुधा रस के अनुभव से रंगा हुआ। अंतकरण में श्री कृष्ण की श्री कृष्ण के अधरामृत की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण के मुख चंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस का उन्होंने आस्वादन किया। तो अंतकरण भी श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस से भाषित है। तो वो अंतकरण जिसमें रस को ग्रहण करता है किसी पदार्थ के रस को ग्रहण करता है तो कृष्ण के सुमधुर मुख चंद्र के अधर सुधा रस के रूप ही में ग्रहण करे, हरेक रस को कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का सुमधुर अधर सुधा रस ही समझता, हरेक रूप को श्री कृष्ण चंद्र का रूप ही समझता, हरेक शब्द को श्री कृष्ण के वेणु गीत पीयूष रस से बासित अंतकरण से आविर्भूत जो श्रोत्रजन शब्दाकाराकारित वृत्ति उस शब्द को अपने रंग में रंग कर ही ग्रहण करती है। इसलिए वो शब्द भी वेणु नाद के रूप में ही भाषित होता। इसलिए ऐसे भक्तों को वेणु नाद के रूप में ही सब शब्द सुनाई देते हैं। भगवान के मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस के रूप में ही दुनिया के सब रस भाषित होते हैं। भगवान के पादार बिंद के सौगंध्यामृत से भावित अंतकरण की गंधाकाराकारित वृत्ति हरेक गंध को कृष्णचंद्र के पादार बिंद के सौगंध के रूप में ही गंध। इस दृष्टि से समय भागवतोत्तम ये वो भागवतोत्तम है जो भगवान श्री कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन करते हैं, भगवान के पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन करते हैं, अंग अंग के दिव्य सौगंध्यामृत का रसास्वादन करते हैं, मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस का समास्वादन करते हैं, वेणु गीत पीयूष रस का आस्वादन करते हैं, जिनके अंतकरण भगवान के दिव्य गंध दिव्य स्पर्श दिव्य रूप दिव्य रस के भावना से भावित है भाषित है, उनका अंतकरण श्रोत्र द्वारा त्वक द्वारा चक्षु द्वारा ग्रहण द्वारा तत्त्व विषयों को ग्रहण करता हुआ भगवान के दिव्य शब्द दिव्य स्पर्श दिव्य रूप दिव्य गंध के रूप में ही तत्त्व वस्तु को ग्रहण करता। इन सब दृष्टियों से ये जो गायें हैं और बछड़े हैं इनमें
कृष्ण का रंग, कृष्ण का रूप, कृष्ण का रस पूरी तरह से भावित हो गए। गावच्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, गावच्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तहित कर्ण पुटेन पिबन्त्य। सावा स्मृतस्तन पय कवला स्मृतस्तुर गोविंद मात्मन दृशा श्रुकला स्पृशंत्य। ये है वेणु गीत का, वेणु गीत का पद। तो कहते गावच्च कृष्ण मुख निर्गत गेण गीत पीयूष मुत्तहित कर्ण पुटेन पिबन्त्य। गायें जो हैं भगवान कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र से निर्गत जो वेणु गीत पीयूष उसी को पी रही। काहे से पी रहे? कर्ण पुटेन कान के दोने से, उनका कान है दोना। जैसे कोई दोना में रस पीता है चषक में, चषक में पान पात्र में, या फुट कहते हैं दोना को, फुट फुट फुट। श्री कृष्ण मक्खन मांगते थे, दही मांगते थे गोपांगनाओं से, तो गोपांगना कहते श्याम सुंदर काय में लोगे, हम दही देने को तैयार काय में लोगे। तो वो कदम वृक्ष है, कदम ने भगवान को दोना दिया। आज भी हमने कदम वृंदावन धाम के नंदगांव के कदम्बों में, उद्धव प्यार के कदम्बों में, और क्या नाम है कामबन के जो कदम है उन कदम्बों में दोना पत्ते पत्तों को हम क्या नाम है वृक्षों में दोना लिखे देखे, वृक्षों में पत्तों के स्थान में दोने लिखे, दोने के आकार दोना, बिल्कुल दोना। तो उन वृक्षों ने दोना दिया, उसी दोना को लेकर कृष्ण ने उसी में वो दही लिया गोपांगनाओं का। तो पुट के द्वारा दोना के द्वारा रस पिया जाता। तो गायें अमृत पी रही, कौन अमृत? कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के मुख चंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष, वेणु गीतामृत। तो कृष्णचंद्र के मुखचंद्र से निर्गत जो वेणु गीतामृत, वेणु गीत पीयूष, उसको पीने के लिए पात्र कौन बड़े? कर्ण पुटे, कर्ण ही पुट है, उनके कान ही दोना। और भी उत्तमित खड़ा कर दिया है, कहीं अगर टेढ़ा हो जाएगा दोना तो रस गिर जाएगा, दोना टेढ़ा हो जाएगा तो कह रस गिर जाएगा। इसीलिए मानो कान को खड़ा कर, ताकि दोना खड़ा रहे, कोई उसमें से रस उस गिरने न पाए। इसलिए उत्तभित कर्ण, उत्तभित माने खड़े किए हुए जो कान, उत्तभित कर्ण पुटई पिबन्त्य। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटे कर्ण पुटई पिबन्त्य। और सावा जो बछड़े हैं, बछड़े जो दूध पी रहे हैं, बछड़े दूध पी रहे हैं, माता के थन को धक्का लगाया, मुंह से लगाते हैं धक्का, बाजे बाजे का ऐसा धक्का लगाते गाय उठ पड़ती, ऐसे जोर से धक्का लगाते हैं कि गाय का पिछला भाग उठ पड़ता ऐसा। तो जहां थन में धक्का लगाया मुंह का, तो दूध की धार थन से निकलने लगी। इतने में कृष्ण की बंसी बजी, कृष्ण के बंसी के वो लोकोत्तर गीतामृत का रस आस्वादन करके बछड़े दूध पीना भूल गए। तो मुंह में स्थान आ गया, उधर दूध की धारा चल पड़ी, पर इनको पीने की स्थिति नहीं रही, क्योंकि आखिर मुंह में ग्रास आए तो भीतर ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता। कोई महान परमहंस हो, उसके मुंह में भी कोई लड्डू दे दो तो वो भीतर जाने के लिए गल निगलना अनुकूलक व्यापार उस परमहंस को करना पड़े। तो इसलिए इन बछड़ों के मुख में गऊओं के थनों से अखंड दुग्ध धारा तो चल रही है, लेकिन उसको भीतर ले जाने की क्रिया भूल गई। वो तो कृष्णचंद्र के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष रस आस्वादन में तल्लीन हो गए, और वो जो दूध को भीतर ले जाने के घोटने की क्रिया है वो उनकी हुई नहीं। तो उनके मुख से गायों के थनों से दूध निकल रहा है, बछड़ों के मुंह में आ रहा है, और मुंह से निकल करके वृंदावन धाम में फैल रहा है। सावा स्मृतस्तन पय कवला स्मृतस्तु, तो जो स्तन पय उसका कवल जिनके मुख में है, अर्थात उसको भीतर नहीं ले जा सके, कवलास्मृतस्तु सावा
सावास्तुतस्तन पय कवलास्मतस्त क्यों गोविंद आत्मन दृशा शुकला प्रसन्न आत्मन भीतर प्रकट गोविंद वो बंशी के द्वारा कृष्ण उनके भीतर पहुंच गए क्योंकि वो वेणु गीत पीयूष क्या है कृष्ण के स्वरूप का सार सर्वस्व कृष्णचंद्र के स्वरूप का सार सर्वस्व है क्योंकि अगर सुधा की बड़ी महिमा हमने खूब वर्णन किया है देव भोग्या अधर सुधा भगवत भोग्या अधर सुधा सर्वा भोग्या अधर सुधा ये सब जो है मल्लवाचार्य के सिद्धांत है उन पंक्तियों को लगाने वाले लोग बहुत कम तो बड़े बड़े सांप्रदायिक लोग समझदार लोग जानते हैं उसको तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो कृष्ण की अगर सुधा क्या है कृष्ण के स्वरूप का सार सर्वस्व इसीलिए इतमेव रवम राजन कौन है देव रवम उसके पहले का सर वर्णन तुम्हारा स्मरंतर कृष्ण चेष्टितम वेणु गीत का वर्णन आरंभ किया और कृष्ण के लीलाओं को स्मरण करते हुए प्रेम में विभव हो गई इसलिए वर्णन करने में असमर्थ हो गई उस बीच में कृष्ण के रूप का वर्णन बढ़ा पीडम नट बर बपु कर्ण कारण विभ्रत बासक कनक कपिशम वैजयंती चमालाम ये कहकर बोले इतने गौरवम राज ये गौरव तो अर्थात ये जो कृष्ण का स्वरूप है ललित त्रिभंग भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद का उद्बुद्ध उभयविद संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक श्रृंगार रस सार सर्वस्व जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है ये कृष्ण का स्वरूप ही वेणु गीत वेणु रव तो वही बछड़ों के और गायों के अंतकरण में सन्निविष्ट है तो आत्मा ने अंतकरण मनसि कृष्णम भीतर गोविंद भगवान अंतकरण में प्रवृत्त है उनको अनुभव कर रहे हैं और दृशा दृष्टि से भी गोविंद को निहार रही है और हृदय में भी गोविंद को निहार रही है अश्रुकलाः आंखों में आनंद के आंसू भर